गाइस, आज हम फ्रिल वाली बाजू बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाली बाजू आज हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्राफ्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे हम जितनी भी चाहे जितना हम चाहते हैं फ्रिल हो उसके अंदर, उतना लंबा आप कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। और लेंथ इसकी 6 इंचेस होगी। आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, आप अपने मुताबिक जितना भी आप चाहें लेंथ ले सकते हैं। और फ्रिल के लिए आप जितनी मर्जी चाहे, अगर आपको कम फ्रिल चाहिए तो आप कम कपड़ा लें, और अगर ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा कपड़ा लें, ठीक है। इसका दिए हमने पट्टी ले ली है। इसकी लंबाई 7 इंच होगी, 7.5 इंच, ठीक है। ये हम ऊपर की साइड, जैसे हम बड़वा पट्टी लगाते हैं ब्लाउज के अंदर, वैसे ही हम इसको लगाएंगे, बाजू में अटैच करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देख सकते हैं, आप ऐसे पट्टी काट ली है, 7 इंचेस की पट्टी है। और यहाँ पे हम इसके किनारे पे मार्क कर लेंगे कि दो कपड़े को फोल्ड करके इसको मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने कट लगाए हैं, इन दोनों कटों के बीच में हम इसके अंदर फ्रिल बनाएंगे। ये हमने कपड़ा सीधा रख लिया है, और मैंने सीधा उल्टा दिखाने के लिए यहाँ पे सही लगा दी, ठीक है। ये हमारा उल्टा वाला साइड है और वो सीधे का साइड है। हम इस पे जो हमने पट्टी सीधी रखी है ना, वैसे ही हमें कपड़ा भी इसके ऊपर सीधा रखना है, ठीक है। और इसके अंदर हम कट से कट तक फ्रिल बना लेंगे। आगे की साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है 7 पॉइंट का, वो हम इसको बाजू अटैच करेंगे जब, तब उसको लगाएंगे, ओके। तो अभी यहाँ पे हम फ्रिल बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप पहले ही फ्रिल बना के इस पर अटैच कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट ही अटैच किया है, ठीक है। यहाँ पे हम हल्की हल्की से प्लेट्स बनाते हुए आगे चलेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आ रहा है तो आप इसको फ्रिल बना लीजिए। जैसे हम फ्रिल बनाते हैं, पहले सिंपल से 5 इंच 5 पॉइंट की जो सिलाई होती है वो वाली सिलाई लगा के उसके बाद आप धागा खींचते हैं तो वो फ्रिल बन जाती है। वैसे भी आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट ही डाली है इसके अंदर फ्रिल। ये देखो यहाँ पे कट है, कट से कट तक हम इसको सिल लेंगे। कट से बाहर नहीं आना चाहिए, वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है जो कि हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको अब सिल लिया है। इसके बाद हम जैसे हम बड़वा पट्टी फोल्ड करते हैं, वैसे ही हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे अंदर साइड। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको बहुत ही पतला फोल्ड करना है, इतना फोल्ड करना है कि एक्स्ट्रा पाइपिंग जो है वो ना दिखे, और दिखे भी तो हल्की फुल्की दिखे, उससे ज्यादा ना दिखे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो बहुत ज्यादा ही चौड़ा आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसको फोल्ड कर लूंगी, बहुत ही हल्के हाथों से फोल्ड करना, कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नहीं तो झोल आ जाएगा। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, आगे से बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे इसको। और इसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से और सफाई के साथ हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करें। एंड तक इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है जैसे हमने आगे किया है, ठीक है। ये हमने एक बाजू बना पहले बना ली थी, ये मैंने दूसरी बाजू आपको बना के दिखाई है, ठीक है। ये मेरी दूसरी बाजू, ठीक है। और इसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। जो हमने ये पट्टी लगाई है, पट्टी के ऊपर ही हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पर हम सिंगल ही लेस लगाएंगे, डबल नहीं लगाएंगे। पतली सी लेस है जो हम उसी को अटैच कर लेंगे अपने बाजू के साथ, दोनों ही बाजुओं पे हम लगा लेंगे ऐसे ही। सीधी साइड पे लगाना है, उल्टी साइड पे गलती से ना लगा दें, ध्यान रख के और बिल्कुल ध्यान से काम करेंगे। और यहाँ पे हम सीधे इस कपड़े पे इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको अटैच कर लिया है और दोनों ही बाजू हमारी बनके तैयार है।
और अब हम ये नीचे वाला जो हमने कपड़ा था उसको ही फोल्ड करना है, जो उसकी लेंथ थी, लेंथ हमने फोल्ड नहीं की थी तो वो हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। इसको भी आधा इंच अंदर की साइड करके इसको 1 इंच पे ही इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको कम चौड़ाई चाहिए सिलाई की तो आप इसको 0.2 पे भी कर सकते हैं। 0.2 पे करेंगे तो आपका ये आधा इंच ही जाएगा मार्जिन, अगर आधा इंच करेंगे तो आपका 1 इंच का मार्जिन चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे 2.5 इंच का निशान लगा लिया है जहाँ पे हम पट्टी अटैच करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चारों ही कपड़ों पे निशान लगा लिया है 2.5 इंच का। अगर आपको थोड़ा सा नीचे चाहिए तो आप 3 इंच पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का ही लगाया क्योंकि जिसका ही ब्लाउज है बहुत ही पतली लड़की है तो उसके लिए 2.5 इंच इनफ है। अगर आप चाहते हैं तो, या फिर आप शोल्डर से नाप लीजिए गोलाई उसकी, और उसके बाद आपको जितना लगे आप उतना ही इंच का ही पट्टी लीजिए और उतने पे ही बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ऐसे अटैच कर लिया है। बैक साइड है, बैक साइड पे हमने इसको बिल्कुल ऐसे रखा है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था पट्टी थी उसको बिल्कुल अटैच कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से अटैच करना है हमें, कपड़ा नहीं सिलना चाहिए बिल्कुल, जो हमारे बाजू है वो नहीं सिलना है, सिर्फ हमें पट्टी सिलनी है इसकी। जो हमने पट्टी एक्स्ट्रा निकाली थी 7 पॉइंट की, उसको सिल लेंगे ऐसे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहीं पे इसको भी अटैच कर लेंगे उसी सिलाई के ऊपर। आगे ना लगाएं तो थोड़ा सा बेकार लगेगा देखने में। तो जब हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी, जो हमने पट्टी मोड़ी थी बाजू की, ये मुड्ढे जो हमने मोड़े थे उसी सिलाई पे हम इस बाजू को भी अटैच कर देंगे। देखिए, ये हमने ऐसे अटैच कर दिया है। बाजू नहीं सिलनी, जो हमारी फ्रेल है वो बिल्कुल नहीं सिलनी है, सिर्फ हमें यहाँ पे सिर्फ पट्टी सिलनी है और कुछ नहीं सिलना है। ये हमने बैक कर दिया है उसका। अब फ्रंट ऐसे इसी तरीके से पकड़ के हम ये फ्रंट इसका सिल देंगे। ध्यान से करें, वो जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करें, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा टाइम लगता भी है तो यहाँ पे भी जैसे हमने उस साइड अटैच किया था वैसे हम इस साइड भी इसको अटैच कर लेंगे। ध्यान रखिए कि हमारा जो फ्रेल है वो नहीं सिलना चाहिए। जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी इसकी 7 इंचेस 7 पॉइंट्स की, 7 पॉइंट पे ही हम इसको बस सिल देंगे और उसके आगे हमें सिलाई नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी बाजू है जो फ्रिल वाली, वो बन के तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे दो टाके भी लगा सकते हैं जहाँ पे हमने सिलाई की है, बाजू को ऊपर करके ऐसे इस तरह से, और फिर यहाँ पे भी दो टाके मार देते हो, ये बाजू आपकी उठेगी नहीं, बिल्कुल वहीं पे टिकी रहेगी।